हर जगह लड़ती क्यों रहती है? मैं लड़ती रहती हूँ, यही तो उसके नेचर है, यही तो उसके नेचर है। जब देखो इसको किसी न किसी से बहस, लड़ना, किसी न किसी से प्रॉब्लम ही रहती है इस लड़की को। गलती नहीं, गलती इसी केस ने कभी मुझे नहीं बताया। तुम दोनों बहनें एक ही घर में रहती हो और उसका किसी के साथ चक्कर चला, उसी से कुछ टाइम बाद तुम्हारा, मेरी बात सुन लो दादी, उसके बाद ही तुम्हारा चला। तुम दोनों बहनों में कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं होगा। सैम मेरा बेटा है, सैम को मुझे तुम्हें देना है या सैम को इसको देना है, फुटबॉल नहीं है। मुझे जिसको, जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट लगेगा, मैं उसी के साथ ही अपने लड़के की शादी करूंगी। और कैसे आए ऐसे ही बात करने के लिए? घर में पता है? हाँ। ये चश्मा वगैरह क्यों लगा रखा है तुमने? वो आईफ्लो रखा है ना। तो बेटा इसके लिए तो घर में बैठना चाहिए तुम्हें। कौन? ये तुम यहाँ भी आ गई? तुम नहीं आई? करने आई थी। तुमने आई थी? तुम घर पे किसको बता के आई है बताइए? घर वो मेरे आई है, बहन आंटी मेरी है, उसी की वजह से। हाँ जो भी है, इस टाइम वो घर मेरे आई है। अपने घर में जाकर लड़ना, इधर कोई बात नहीं करनी तुमने। तुझे अब मजा आ रहा है? मैंने अब क्या किया? क्या किया है? अब मैंने क्या किया? तू तो कभी कुछ करती नहीं है, तू यहाँ आई क्यों? कभी भी ना यार, इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए कि अपनी बहन का पहले घर तुड़वा के फिर उसी के घर में बैठी। मैंने कोई घर नहीं तुड़वाया। शांति शांति, क्या हो रहा है ये? आपको नहीं पता जो हुआ ना, भैया और पापा जो भड़के थे ना उसके ऊपर, इसी की वजह से। वो मुझे बता चुकी है। इसने ये तो बताया नहीं होगा कैसे भड़काया उनको। सिया मैंने भड़काया नहीं है उन्हें। तो भड़काया नहीं, तू तो यहाँ की बैठी है। मैं बात करने आई हूँ कुछ। तू बात क्या, आप किस चीज को लेकर? आवाज ऊंची मत करो इधर, ये घर है मेरा। मेरा घर तोड़ के मेरे ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ घर वालों को करके उसी के घर पे बैठ के तू यार, तू मेरे से हर जगह लड़ती क्यों रहती है? मैं लड़ती रहती हूँ, यही तो उसके नेचर है, यही तो उसके नेचर है। जब देखो इसको किसी न किसी से बहस, लड़ना, किसी न किसी से प्रॉब्लम ही रहती है इस लड़की को। बहुत अच्छा कर रही है तू, भड़का ले और भड़का ले यार। मैंने किसको भड़काया है? मेरे को ये बता दो। और बहन मान की गलती कर दी यार। सिया मेरी बात सुन रही है? दुश्मन भी ऐसा काम लगा रही है जो बहन कर रही है। अरे मैंने करा क्या, ये तो बता यार। मैंने सिर्फ बताया था पापा औरों को। बताया था फिर तू यहाँ पे क्या कर रही है बता दे। अरे मैं कुछ बात करने आई थी आंटी। क्या बात करने आई थी? अब मुझे कुछ उसको जो मर्जी बात करनी हो वो मेरे घर पे आई है। मेरे घर में कोई भी आ जा सकता है, वो मेरी मर्जी है। तुम्हें 10 बारी मैंने इस घर से निकाला, तुम भी तो आ रही हो उठ उठ के बार बार। सब कुछ ना इसी का किया था ना, आपको भी जब ना पता चलेगा ना तभी आप खुलेगी, तभी आपकी, अदरवाइज तो आपकी भी आँखें नहीं खुली। जैसे इसने घर वालों के पट्टी बांधी है ना, मैंने पट्टी तुम्हारी बारे में भी बांधी थी जब मेरे बेटे ने बिल्कुल ही हाँ मेरे लिए सिया 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 जब तुम्हारे घर वालों ने धक्का दिया तब उसकी भी आंखें खुली है कि क्या रिस्पेक्ट होगी उसकी उस घर में जाके। जो रिस्पेक्ट हुई ना वो सारी इसी की वजह से हुई है। मैंने सिर्फ बताया है, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। तो तूने बताया तो पापा यहाँ तो बताना जरूरी था ना। किसने? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उन्हें बस बताया था। उनका मन ना नहीं किया उन्होंने। एक मिनट, तुमने जो बातें करनी अपने घर में जाके करो। तुम भी अपने घर जाओ और दोबारा मत आना। बेटा तुम भी अपने घर जाओ, अपने घर जाके बातें करो, जो करना है डिस्कशन अपने घर में करो। किसने किसको मारा, किसने किसको नहीं मारा वो तुम देखो घर जाके। सुना, मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। मेरे घर में और भी ऊपर नीचे लोग बाहर रहते हैं, मेरे को यहाँ से आवाजें नहीं चाहिए। सुना तुमने? अनगिनत बारी तुम्हें इधर से निकाल चुकी, तुम अनगिनत बारी आए। आज वो अगर आई है तो तुम मुझसे पूछ रही हो। तुम पहले मुझसे पूछो कि मैं आपके घर आ जाऊं या नहीं आ, तुम मुझसे नहीं पूछ रही हो। इसने आपको बोला हुआ है घर बता के आई, बट ये घर बता कर ही नहीं आई है। मैंने भैया, मैंने हिंदी में, और भैया ने एग्री भी कर दिया। मैं तुम दोनों को क्या कह रही हूँ, तुम अपने अपने घर जाओ। चलो तुम खड़ी हो, अपने घर जाओ, अपने घर वालों से बात करो और तब मेरे घर में आना। चलो मैं बैठ के तुम लोगों के घर वालों से बात करूंगी। चलो पापा को और भैया को जो कुछ बोला ना इसी ने बोला, इसी की वजह से। मैंने कुछ नहीं बोला है। तो कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ उन्हें बताया है। क्या तू यहाँ क्या करे? मुझे एक मुझे बात करनी थी आंटी से। क्या बात करनी थी तूने? किस चीज को लेकर बात करनी? तू मेरे बारे में तो बात करने आई नहीं होगी, मैं श्योर हूँ। मैं तेरे बारे में क्यों बात करूंगी? हाँ तो किस बारे में बात करनी? मुझे ऐसी कुछ बात करनी थी आंटी से उसमें। पहले मेरी ये बात सुनोगी तुम भी, और तुम भी चुप हो जाओ 2 मिनट। तुम मेरे घर में क्या करने आ रही हो बार बार? मैं इसके पीछे पीछे आई हूँ कि जा कहाँ रही है ये। एक मिनट,
ये अब आई है ना, उससे पहले तुम पीछे 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 हर बार ये पीछे पीछे आ रही होती उसके। देखो आंटी, मेरा सैम से चल रहा है, ठीक है, जो कुछ हुआ है वो हुआ है, मान लिया मेरी गलती है कि मैंने, मेरे को एक्चुअली मेरी भी गलती नहीं है, गलती इसी के, इसने कभी मुझे नहीं बताया। तुम दोनों बहनें एक ही घर में रहती हो और उसका किसी के साथ चक्कर चला, उसी से कुछ टाइम बाद तुम्हारा, मेरी बात सुन लो दादी, उसके बाद ही तुम्हारा चला, तुम दोनों बहनों में कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ। ये लड़की नहीं बताती घर में, पहली बार सैम ने मना कर दिया, सैम के आते ही इसको पता नहीं क्या आग लगी है कि सैम के साथ दोबारा सैम ने मना कर दिया। ऐसा है शांति, मेरे घर में शांति रखो, शांति रखो, तुम लोग अपने घर जाओ, जो करना है, लड़ना है, झगड़ना है, सर फोड़ना है, जो करना है अपने घर जाके करो, मेरे घर में कोई भी किसी भी चीज का सैम को लेकर डिस्कशन नहीं होगा। सैम मेरा बेटा है, सैम को मुझे तुम्हें देना है, ये सैम को इसको देना है, फुटबॉल नहीं है, मुझे जिसको, जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट लगेगा मैं उसी के साथ ही अपने लड़के की शादी करूंगी। ये दोनों की दोनों बहनें अपने दिमाग में समा, कहते ना घुसा लो मत, मेरे बेटे की लाइफ को तमाशा बनाओ, ले अब तू ले, ले ले अब तू ले ले प्लीज। तमाशा मैंने नहीं बनाया, तमाशा जो भी है मैंने अभी तुम्हें सिया हिंदी में कहा है, तुम अपने घर जाओ, घर में जाके बात करो, तुम दोनों बहनों ने जो बात करनी है बात करो, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं अपने बेटे से खुल के पूछ लूँ वो आगे फ्यूचर में चाहता क्या है। मैं, उसने मुझे एक बारी क्लियर कर दिया कि मम्मी अब जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा, अब तुम्हारे लिए भी क्लियर हो गया, अब तुम्हें जो बात करनी है सैम से फोन पे करना, इधर आके कोई बात नहीं करनी, सैम ने मुझे क्लियर कर दिया ना, अब तुम अपने घर जाओ। मम्मा एक बार मेरी सोच सुन, मैंने अपने बेटे की सुन ली, बस मेरे लिए खत्म है, अपने घर जाओ, तुम भी अपने घर जाओ, चलो अपने घर जाके दोनों बहनें बात करो, चलो। सिया एक तो तुम बिल्कुल भी नहीं सुनती हो, क्योंकि मुझे इस टाइम पे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने घर जाके अपना सर फाड़ो, चलो। बिना मेरी गलती के सजा मिल रही है, तुम्हारी गलती की सजा से तुम्हारे जिद्दीपन जो है ना वही तुम्हें दे रहा है, जितनी तुम जिद्दी हो, तुम एक बारी में मेरे खड़े होने पर कभी भी नहीं खड़ी होके गई हो, हर जब मैं तुम्हें घर से बाहर निकालती हूँ तब भी दो घंटे बाद फिर तुम इधर आई होते, ये घर है पार्क नहीं है, अपने घर जाओ, मैं अपने बेटे से बात करके तुम्हें बताऊंगी, चलो भाई तुम भी अपने घर जाओ बेटा।